हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। प्रभपतिनित प्रतिवंदनम् दिनकर हे दिनमणि नमः स्वीकरोतु मम तर्पणम्। आज कोई भिक्षा मांगने वाला नहीं आया। मेरे जीवन में ऐसा अशुभ दिन कभी नहीं आया जब मैंने किसी याचक या किसी भिक्षु ब्राह्मण को भिक्षा न दी हो। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। भिक्षु है कोई? कोई नहीं। भिक्षां देहि, भिक्षां देहि, भिक्षां देहि। प्रणाम ब्राह्मण देवता। आप अंगराज कर्ण ही है ना? हाँ, मैं आप ही को खोज रहा था। बड़ा नाम है आपका। मुझे गर्व है कि तुम एक दानवीर हो। देवराज इंद्र तुम्हारे इसी गुण का लाभ उठाने के लिए
एक ब्राह्मण के वेश में तुमसे तुम्हारे कवच कुंडल की भिक्षा मांगने आएंगे। सारे भिक्षु ब्राह्मण दीनहीन आपकी दया धर्म और दान की चर्चा करते नहीं थकते। मैं क्या हूं ब्राह्मण देवता, सच्चा दाता तो वो है, उससे बड़ा दानवीर कोई नहीं है। उसी की कृपा को लुटाता रहता हूं। आप आज्ञा करें, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूं ब्राह्मण देवता? आप बताइए, आप क्या चाहते हैं? गौधन, अन्नधन, वस्त्र या स्वर्ण मुद्राएं? आपको जो चाहिए मैं अवश्य दूंगा। मैं जानता हूं अंगराज, मेरी याचना केवल आप ही पूरी कर सकते हैं, इसीलिए मैं इतनी दूर से चलकर आपके पास आया हूं। परंतु मुझे अन्न, धन, सोना, चांदी कुछ नहीं चाहिए। आज तक मांगने वाले ने मुझसे जो भी मांगा है मैंने उन्हें वो दान दिया है। तो फिर अब केवल अपने प्राणों की रक्षा के लिए मैं अपना धर्म क्यों छोड़ दूं? हे दानवीर, क्या सोचने लगे? आपको चुप देखकर मैं निराश होने लगा हूं। नहीं ब्राह्मण देवता, मैं आपको निराश नहीं होने दूंगा। आपको जो भी मांगना है केवल उसकी आज्ञा दीजिए। मुझे आपका ये कवच और कुंडल चाहिए। क्या हुआ दानवीर, क्या मैंने आपकी क्षमता से कुछ अधिक मांग लिया? नहीं, मेरी क्षमता से तो अधिक नहीं, परंतु एक ब्राह्मण की आवश्यकता से अवश्य अधिक मांगा है, क्योंकि एक ब्राह्मण के लिए गौधन से अधिक मूल्यवान दान और कुछ नहीं हो सकता। परंतु आपने गौधन छोड़कर मेरे ये कवच कुंडल मांगे हैं। इस कवच कुंडल के महत्व को कोई भिक्षु ब्राह्मण नहीं जान सकता, परंतु एक योद्धा इसका महत्व अवश्य जानता है। अर्थात ये कि आप इसके महत्व को जानते हैं, इसलिए आप कोई भिक्षु ब्राह्मण नहीं है। ये आप क्या कह रहे हैं अंगराज? मैं ठीक कह रहा हूं देवराज इंद्र, कृपा भिक्षु ब्राह्मण का यह स्वांग समाप्त कीजिए और अपने असली वेश में आइए। ओह, लगता है तुम्हारे पिता सूर्यदेव ने तुम्हें मेरे आगमन की सूचना पहले ही दे दी है। हां, इसलिए कि वे मेरे पिता हैं। जब आपको अपने पुत्र अर्जुन के प्राणों की चिंता स्वांग रचाने पर विवश कर सकती है, तो क्या मेरे पिता मुझे सावधान भी नहीं कर सकते? तुम ठीक कह रहे हो अंगराज, पुत्र का मोह ही ऐसा होता है। परंतु अपने पुत्र के लिए किसी दूसरे के पुत्र के प्राणों की बलि चढ़ाना कहां का धर्म है देवेंद्र? मैं भी तो किसी का पुत्र हूं। परंतु निराश होने की कोई आवश्यकता नहीं है देवेंद्र, आप पुत्र मोह में बहक गए थे, परंतु मैं अपने धर्म के पथ पर अटल खड़ा हूं। हे देवराज, मुझे मेरे ये कवच कुंडल प्राणों से अधिक प्यारे हैं, इसलिए नहीं कि ये मेरे प्राणों की रक्षा करते हैं, बल्कि इसलिए कि ये मेरे पिताश्री का दिया हुआ वो दिव्य वरदान है जिनके छिन जाने से उनके मन को असहनीय पीड़ा होगी। परंतु मैं फिर भी अपने दान धर्म को निभाने के लिए अपना ये कवच कुंडल आपको अवश्य दान दूंगा, क्योंकि इससे संपूर्ण देवलोक में मेरे पिताश्री का सर गर्व से ऊंचा हो जाएगा और मेरे जीवन का संपूर्ण दान सफल हो जाएगा।
हे दानवीर, तुम्हारे इस अनुपम दान ने तो देवराज इंद्र की झोली को भी छोटा कर दिया है। हे अंगराज, मैं तुमसे प्रसन्न हूं और तुम्हें कोई वरदान देना चाहता हूं। मांगो, क्या चाहते हो? क्षमा करना देवराज, क्षमा करना। दानी यदि याचक के सामने हाथ फैलाए तो उसका उससे बड़ा अपमान क्या हो सकता है? हे देवेंद्र, मैं अपना हाथ फैलाकर दान धर्म के विधान का अपमान नहीं कर सकता। वाह कर्ण, वाह! तुम धन्य हो, तुम महादानी हो। तुमने आज दान की मर्यादा को निभाकर दान धर्म की उस चरम सीमा को छू लिया है जहां युगों युगों तक कोई भी दानी नहीं पहुंच सकेगा। मैं तुमसे प्रसन्न हूं, अति प्रसन्न हूं, और तुम्हें एक शक्ति प्रदान करता हूं। इसे ग्रहण करो। दानवीर, मैंने तुम्हें दिव्य वासवी शक्ति प्रदान की है। तुम जिस किसी भी योद्धा पर इसका प्रयोग करोगे निश्चित ही उसका वध हो जाएगा, परंतु तुम इस शक्ति का प्रयोग केवल एक ही बार कर सकोगे। इसके उपरांत यह शक्ति लौटकर मेरे पास आ जाएगी। सेनापति जी, रात को मंत्रणा करके आपने आज की युद्ध नीति तय की थी, तो फिर अब यह मंत्रणा किस कारणवश बुलाई है? युवराज, आप तो जानते ही हैं कि पांडवों ने गुप्तचरों का जाल फैला रखा है। कल रात की मंत्रणा उनकी आंखों में धूल झोंकने के लिए थी, जिसको सच मानकर पांडव इस भ्रम में रहेंगे कि हम आज साधारण युद्ध करेंगे। आप सभी को अंधेरे में रखने के लिए क्षमा चाहता हूं, परंतु यह आवश्यक था क्योंकि आप सब गुप्तचरों के दृष्टि का केंद्र बने हुए थे। परंतु पिताश्री, पहले आप यह बताइए कि आपकी वास्तविक नीति क्या है। हां गुरुदेव, युद्ध आरंभ होने में बहुत कम समय रह गया है, फिर इस नई नीति का पालन हम शीघ्रता से कैसे कर पाएंगे? चिंता मत कीजिए युवराज, मैंने विश्वसनीय सेना नायकों को पहले ही समझा दिया था और उन्होंने गुप्त रूप से सारी योजना संबंधित योद्धाओं तक पहुंचा दी है। अब मेरी इस व्यूह रचना में आप लोगों के सहयोग की परम आवश्यकता है। आप आज्ञा दीजिए गुरुदेव, हमें क्या करना होगा? मैं आज चक्रव्यूह की रचना करूंगा। चक्रव्यूह की रचना? चक्रव्यूह? 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 वाह वाह आचार्य जी वाह! तब तो पांडवों का क्रियाक्रम हुआ ही समझो, क्योंकि चक्रव्यूह को कोई ध्वस्त नहीं कर सकता। नहीं गांधार नरेश, श्री कृष्ण और अर्जुन चक्रव्यूह की रचना और उसको ध्वस्त करना जानते हैं। अर्जुन मेरा परम शिष्य रहा है और मैंने उसे सभी प्रकार के व्यूह की रचना करने और उन्हें ध्वस्त करने की शिक्षा दी है। यह तो हमारा दुर्भाग्य है पिताश्री। निराश होने की कोई आवश्यकता नहीं है। यदि अर्जुन को आप सब युद्ध में उलझाकर रणभूमि के दूसरी छोर तक ले जाएं, तो मैं चक्रव्यूह की रचना करूंगा। एक ऐसा अभेद्य और अमोद व्यूह होगा जिसमें प्रवेश करने का अर्थ है मृत्यु के मुख में प्रवेश करना।
हम इस चक्रव्यूह में चारों पांडवों को घेर कर उनका वध कर देंगे। सेनापति जी, अर्जुन को तो युद्ध में बहकाना आसान है, परंतु द्वारकाधीश उसके साथी है, वो कुटिलों के शिरोमणि है। हमारी इस चाल को वो तुरंत भांप जाएंगी। अर्जुन की बुद्धि के रथ की लगाम भी उनके हाथ में है, इसलिए वो अर्जुन को बहकने भटकने नहीं देंगे। पहली बात तो ये है कि किसी को संदेह तक नहीं होगा, क्योंकि मैं गरुण व्यूह की रचना करके पांडवों को साधारण युद्ध के संकेत दूंगा। फिर योजना अनुसार अर्जुन को हमारा एक विशेष योद्धा युद्ध के लिए ललकारेगा, और भावुक अर्जुन ललकारने के बाद भी युद्ध न करने को अपना अपमान समझेगा और एक क्षत्रिय की भांति युद्ध करने पर विवश होगा। हाँ, ये तो है, ये तो है। अर्जुन भावना की धारा में बहकर कुछ भी कर बैठता है। हम अपनी बुद्धि से, चतुराई से, छल से, कपट से उसे बहका ले जाएंगे। हाँ गुरुदेव, आप अर्जुन से निश्चिंत रहिए, हम हमारे योद्धाओं से अर्जुन के मार्ग में बाधा खड़ा कर देंगे। तो बस तुम तीनों अपना अपना रथ शंख ध्वनि के अंतर से रणभूमि के छोर तक ले जाओ। अश्वत्थामा, तुम अर्जुन के रथ के साथ साथ लगे रहना। जो आज्ञा पिताश्री। और जब अर्जुन दूर किनारे पर पहुंच जाए तो तुम तय करके विशेष ध्वनि में शंख बजाओ। शंख ध्वनि का यह संकेत पाकर गांधार नरेश अपना शंख बजाएंगे। हाँ। ये संकेत दुर्योधन के लिए होगा, और जैसे ही युवराज तीन बार शंख बजाएंगे मैं समझ जाऊंगा कि अर्जुन दूर पहुंच गया है, और तब मैं सेना नायकों को पहले से बताए हुए राग में शंख बजाऊंगा और गरुड़ व्यूह की रचना चक्रव्यूह में बदल जाएगी। वाह पिताश्री, वाह। और चक्रव्यूह देखकर पांडव सेना में खलबली मच जाएगी। हाँ, खलबली मच जाएगी। वाह गुरुदेव वाह, आपने क्या योजना सोची है संपूर्ण पांडवों का विनाश करने के लिए। गुरुदेव, आपने सिद्ध कर दिया कि शिष्य कितना भी गुणवान क्यों ना हो, परंतु वो कभी अपने गुरु से बराबरी नहीं कर सकता। गुरुदेव, मैं आपको शत शत प्रणाम करता हूं। चलो। युवराज, अर्जुन को उलझाने के लिए तिगर्ताधिपति सुशर्मा को लगा देना उचित होगा। परंतु आचार्य, अर्जुन का वध करने के लिए अंगराज कर्ण से अधिक उचित और कोई योद्धा कैसे हो सकता है? आप ठीक कहते हैं मामाश्री। क्यों अंगराज? तुम तो जानते हो मित्र, अर्जुन के साथ युद्ध करना और उसे परास्त करना ही मेरे जीवन का परम उद्देश्य है। नहीं, इस समय अर्जुन के विरुद्ध कर्ण का युद्ध करना उचित नहीं होगा। क्यों? क्या कर्ण अर्जुन को परास्त करने की क्षमता नहीं रखता है आचार्य? नहीं, ये बात नहीं है। समस्त कौरव योद्धाओं में अंगराज कर्ण ही एक ऐसा योद्धा है जो अर्जुन के बाणों से निकलने वाली आंधी को प्रतिबंध लगा सकता है। मैं अर्जुन पर प्रतिबंध ही नहीं लगा सकता, बल्कि अपने बाणों से अर्जुन के प्राणों का हरण भी कर सकता हूं। मेरे जीवन में केवल एक यही परम उद्देश्य शेष है। आज जब मुझे अपना ये उद्देश्य पूरा करने का समय मिला तो आप मुझे रोक रहे हैं। ये उचित नहीं है आचार्य जी। युद्ध में तो शत्रु के विरुद्ध हमें अच्छे से अच्छे योद्धा को आगे बढ़ाना चाहिए, हमें अपनी पूरी शक्ति लगा देनी चाहिए। हाँ युवराज, शत्रु के विरुद्ध अपनी पूरी शक्ति लगा देनी चाहिए, परंतु ये ध्यान रखना चाहिए कि शत्रु अपनी पूरी शक्ति हमारे विरुद्ध न लगा सके। अर्थात यदि हम अंगराज कर्ण जैसे सर्वश्रेष्ठ योद्धा को अर्जुन के विरुद्ध उतारेंगे तो सारे पांडव अर्जुन के पीछे लोहे की दीवार बन जाएंगे, जिसे तोड़ने के लिए हमारी दुगनी शक्ति भी पर्याप्त नहीं होगी। परंतु मैं अकेला ही अर्जुन और अन्य पांडवों के लिए पर्याप्त हूं। नहीं अंगराज, ये किसी योद्धा की चतुराई नहीं, तुम्हारी भावना बोल रही है।
भावना जो एक योद्धा को निर्बल बनाकर रख देती है। बदले और प्रतिशोध की भावना में यदि तुम अकेले ही अर्जुन और पांडवों से अंधाधुंध युद्ध करने पर उतर आए तो तुम्हारी सारी शक्ति क्षीण होकर रह जाएगी। तुम पांडवों का बाल भी बाका नहीं कर सकोगे, इसलिए भावनाओं से नहीं चतुराई से काम लो। अर्जुन को कोई और ललकारेगा तो पांडव हमारी योजना को भांप भी नहीं सकेंगे और हम एक एक करके पहले चार पांडवों को रास्ते से हटा देंगे, फिर अर्जुन का वध करने के लिए तुम्हारा रास्ता साफ होगा। आचार्य ठीक कहते हैं कर्ण। चलो चलो हम युद्ध भूमि के लिए प्रस्थान करें। चलो चलो। इतने दिन के बाद मुझे हमारी विजय की पहली आहट सुनाई दी है संजय। गुरु द्रोणाचार्य सचमुच गुरु हैं, उनके शस्त्र भंडार में चक्रव्यूह जैसा अभेद्य व्यूह भी है जिसका प्रयोग वो कर रहे हैं। यदि द्रोणाचार्य की ये रणनीति सफल हो गई तो मेरा पुत्र दुर्योधन भारतवर्ष का सम्राट बन जाएगा। सम्राट। महाराज, कौरवों की रणनीति की सुनगुन भी पांडवों को नहीं लगी, इसलिए आपका ऐसा सोचना उचित है, परंतु युद्ध का पासा कभी भी पलट सकता है। अशुभ बातें मत करो संजय। तुम मुझे ये बताओ कि सेनापति द्रोणाचार्य अब क्या कर रहे हैं? महाराज, रणनीति के अनुसार सेनापति द्रोणाचार्य ने गरुड़ व्यूह की रचना की है। गरुड़ व्यू देखकर पांडव सेनापति धृष्टद्युम्न ने अर्जुन से विचार विमर्श करते हुए शयन व्यू की रचना की है। संजय, युद्ध आरंभ हुआ। गरुड़ व्यू के मुख पर जो सेना खड़ी है वो ही पांडवों पर आक्रमण कर रही है। बाकी
पूरी सेना द्रोणाचार्य के आदेश का पालन कर रही है और द्रोणाचार्य अर्जुन के रणभूमि से दूर ले जाने के संकेत की प्रतीक्षा कर रहे हैं। परंतु अर्जुन को रणभूमि से दूसरी तरफ कौन ले जाएगा? महाराज, लगता है त्रिगतिधिपति सुशर्मा अर्जुन को ललकारेगा। वही अर्जुन के सामने आ रहा है। अर्जुन, मैं त्रिगतिधिपति सुशर्मा तुम्हें युद्ध के लिए ललकार रहा हूं। आज मैं तुम्हारा वध करके अपने मित्र दुर्योधन को तुम्हारी लाश भेंट करना चाहता हूं। संजय, द्रोणाचार्य के फेंके हुए जाल में क्या अर्जुन फंस जाएगा? यदि सच्चे क्षत्रिय हो तो मुझसे युद्ध करो। मैं और मेरी सेना रणभूमि की दक्षिण दिशा में तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे हैं। वहां हमारे युद्ध में कोई बाधा नहीं डालेगा। चलो सारथी। केशव, मैंने सुशर्मा के आह्वान को स्वीकार किया है। उसने मेरे शूरवीरता को ललकारा है। मैं उसे उत्तर अवश्य दूंगा। तुम मेरा रथ उसके पास ले चलो। दक्षिण की ओर? हाँ केशव। परंतु अर्जुन, हम मुख्य रणभूमि से दूर हो जाएंगे और पता नहीं कब महाराज युधिष्ठिर को तुम्हारी आवश्यकता पड़ जाए। सुशर्मा का वध करने में समय ही कितना लगेगा। हम शीघ्र लौट आएंगे केशव, नहीं तो लोग मुझे कायर समझेंगे। और एक क्षत्रिय होकर युद्ध के निमंत्रण को स्वीकार न करना तो अधर्म होगा। इसलिए तुम मेरे रथ को दक्षिणी छोर पर ले चलो। सारथी, अर्जुन के रथ के पीछे पीछे दक्षिण दिशा में चलो। परंतु सावधान, वो हमें देख न पाए। चलो। योजना अनुसार अश्वत्थामा के पीछे जाइए और अश्वत्थामा के शंख बजाने पर आप अपना शंख बजाकर मुझे संकेत दीजिए। जाइए मामाश्री, जाइए। हाँ भांजे, चलो साथी। जी, नए कौरव सेनापति ने हमारी अपेक्षा के विरुद्ध गरुड़ व्यू की रचना की है। इसका अर्थ यह है कि द्रोणाचार्य साधारण युद्ध करेंगे। परंतु एक बात मेरी समझ में नहीं आ रही है कि जब गुरु द्रोण घातक से घातक व्यू बनाना जानते हैं तो फिर उन्होंने गरुड़ व्यू ही क्यों बनाया? इसमें चिंता की क्या बात है? पिताश्री हर व्यू को तोड़ना जानते हैं। परंतु अर्जुन है कहां? Thank you.
से तीनों शंखों की ध्वनि का वर्णन सुनकर मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कौरव सेना विजय पताका लहराती हुई हस्तिनापुर में प्रवेश कर रही हो और विजय गान हो रहा हो। कृपाचार्य सेना नायकों को गरुड़ व्यूह को चक्रव्यूह में बदलने का संकेत दीजिए। सेनापति द्रोणाचार्य ने चक्रव्यूह बनाने का आदेश दे दिया है। अब तो पांडव सेना फंस जाएगी इस चक्रव्यूह में। अर्जुन भी दूर किनारे पर चला गया है, अब क्या करेगा युधिष्ठिर? महाराज धर्मराज शंख ध्वनि सुनते ही चिंता में पड़ गए हैं। ये एक के बाद एक शंख ध्वनियों की आवाज सुनकर ऐसा लग रहा है कि जैसे कौरव आपस में कानाफूसी कर रहे हैं। शंखों की ध्वनि में ये राग पहले तो कभी नहीं सुनाई दी थी। कहीं दुर्योधन युद्ध सभा की भांति युद्ध भूमि में कोई छल का खेल न खेल जाए। ये सब क्या हो रहा है? चक्रव्यूह की रचना शुरू होते ही पांडवों में खलबली मच गई है महाराज। मारे जाएंगे पांडव, मारे जाएंगे। अपने आप को महान योद्धा समझने वाले पांडव केवल चक्रव्यूह के उल्लेख से ही भयभीत हो गए। इस समय उनके लिए चक्रव्यूह एक समस्या बन गया है, क्योंकि चक्रव्यूह को तोड़ने की जानकारी रखने वाले श्री कृष्ण और अर्जुन रणभूमि के दूसरे छोर पर युद्ध कर रहे हैं। अर्थात चक्रव्यूह की रचना करने से पूर्व ही द्रोणाचार्य ने जो चतुराई का चक्रव्यूह रचाया था उसमें फंस गए हैं पांडव। चक्रव्यूह चक्रव्यूह चक्रव्यूह, यह चक्रव्यूह नहीं कौरव सेना का अजगर है जो अपनी कुंडली के बीच में पांडव सेना को जगड़कर हमें नष्ट करने के लिए आगे बढ़ेगा। समझ में नहीं आता श्री कृष्ण भ्राता अर्जुन को युद्ध भूमि के दक्षिण कोने पर क्यों लेकर चले गए। यह चक्रव्यूह नहीं एक सोची समझी हुई कुटिल योजना का अंश है। कुटिल योजना जिसकी घोषणा उन तीनों शंखों की ध्वनि ने कर दी थी और जिनको सुनकर मेरा माथा ठनका था। अब माथे पर हाथ मारने से क्या होगा, कपाल रगड़ने से भाग्य का लिखा नहीं मिट जाएगा। चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है भ्राताश्री, मैं अपनी गदा से कौरवों का यह चक्रव्यूह तोड़ दूंगा। नहीं भीम, यह असंभव है, चक्रव्यूह गदा से नहीं तोड़े जाते। यह युद्ध योद्धाओं के बीच में नहीं बल्कि दो सेनाओं के बीच में होता है। इसे तोड़ने की विशेष युद्ध नीति है और जो केवल अर्जुन ही जानता है। मैं भी जानता हूं चक्रव्यूह को तोड़ना। तुम चक्रव्यूह भेदना भी जानते हो? हां ताऊश्री, भैताश्री, फिर तो हमें तुरंत आक्रमण करना चाहिए, हमारे पास समय नहीं है। हां भ्राताश्री, यह चक्रव्यूह किसी पिशाच की भांति हमारी सेना को निगलने के लिए आगे बढ़ रहा है। भ्राताश्री शीघ्र निर्णय लीजिए। ठीक है अभिमन्यु,
चक्रव्यूह को भेजने के तुरंत बाद तुम वापस लौट आओगे। क्षमा करें ताऊश्री, मैं चक्रव्यूह ध्वस्त अवश्य कर सकता हूँ, परंतु लौटने का रास्ता बनाना मुझे नहीं आता। क्या चक्रव्यूह को तोड़ना जानते हो परंतु वापस आने का रास्ता नहीं बना सकते? नहीं, तुमने तो कहा था कि जब अर्जुन सुभद्रा से युद्ध के बारे में बातें करता था तो तुम गर्भ में युद्ध शिक्षा ग्रहण कर लेते थे। हाँ, परंतु जिस रात पिताश्री चक्रव्यूह के बारे में बता रहे थे और पिताजी ने केवल चक्रव्यूह के भेदन की ही बात कही थी कि माताश्री को नींद आ गई और उन्हें सोता देख पिताश्री आगे कुछ नहीं बताया, और इसीलिए मैं चक्रव्यूह से बाहर निकलने का रास्ता बनाने का ज्ञान नहीं रखता। ठीक है अभिमन्यु, फिर मैं तुम्हें जानबूझकर मृत्यु के मुंह में जाने की आज्ञा नहीं दे सकता। यदि अर्जुन यहां होता तो बात दूसरी होती, कुछ उल्टा सीधा हो गया तो मैं अर्जुन को क्या उत्तर दूंगा? वो बड़ा ही भावुक है। परंतु इसके अतिरिक्त हमारे पास कोई दूसरा उपाय भी तो नहीं? कह दिया ना कि नहीं हो सकता। यदि मैं चक्रव्यूह ध्वस्त नहीं करूंगा तो फिर उस समय आप पिताश्री को क्या उत्तर देंगे जब पांडव सेना के योद्धाओं की लाशों से युद्ध भूमि ढकी होगी और उसमें मेरी भी लाश होगी? अभिमन्यु, भ्राताश्री, अभिमन्यु ठीक ही कह रहा है, मरना है तो मार कर मरेंगे। हाँ भ्राताश्री, आप चिंता मत कीजिए, मैं अभिमन्यु के पीछे पीछे चक्रव्यूह में घुस पड़ूंगा। हम अभिमन्यु के पीछे अपनी पूरी शक्ति लगा देंगे। यदि तुम सबका यही विचार है तो ठीक है, मैं भी तुम सबके साथ रहूंगा। अभिमन्यु, तुम आक्रमण की तैयारी करो। जो आज्ञा ताऊश्री। और ना ही ये कृष्ण के पांच जन्य शंख की आवाज। तो फिर ये शंख कौन बजा रहा है? ये शंख अर्जुन पुत्र अभिमन्यु बजा रहा है। इसका अर्थ है अभिमन्यु के नेतृत्व में पांडव चक्रव्यूह की ओर बढ़ेंगे। अभिमन्यु आक्रमण, आक्रमण। अभिमन्यु के नेतृत्व में पांडवों ने आक्रमण भी किया है, परंतु चक्रव्यूह से टकराना आत्महत्या के बराबर है। भांजी, विनाश काले विपरीत बुद्धि, लगता है पांडवों का विनाश काल आ गया है। तभी तो अभिमन्यु के नेतृत्व में चक्रव्यूह का भेदन करने चले हैं। हाँ संजय, शकुनी ठीक ही तो कह रहा है, पांडवों की मति मारी गई है जो वो स्वयं मृत्यु के मुख में जा रहे हैं। ठीक है, कुमार अभिमन्यु ने गर्भ में चक्रव्यूह तोड़ने की शिक्षा ग्रहण की है, परंतु वो चक्रव्यूह का भेदन कैसे कर सकेगा? न ही वो अर्जुन है और ना ही वासुदेव कृष्ण। अभिमन्यु अस्त्र शस्त्र से संपन्न है, उसने केवल गर्भ में ही शिक्षा प्राप्त नहीं की है, युद्ध का अनुभव भी है उसे। उसका जीवन तलवारों की छांव में बीता है, इसीलिए उसमें इतना आत्मविश्वास है कि वो चक्रव्यूह को ध्वस्त करने निकला है।
चाहिए। युवराज, विजय या पराजय मनुष्य के नहीं ईश्वर के हाथ में है। वो चाहेगा तो अवश्य हमें विजय मिलेगी। अवश्य होगी भांजे, अवश्य होगी। अभिमन्यु, चक्रव्यूह में हम प्रवेश कैसे करेंगे? काकाश्री, ये व्यू चक्र के जैसा घूम रहा है, परंतु घूमते घूमते एक पल के लिए इसका मुख खुला रह जाता है। जैसे ही मैं चक्रव्यूह में प्रवेश करूं, आप मेरे साथ साथ प्रवेश कीजिएगा। चिंता मत करो पुत्र, हम तुम्हारे पीछे पीछे ही चक्रव्यूह में प्रवेश करेंगे। कृष्णा।